अमेरिका में भारतवंशी अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, खासतौर से जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारतवंशी लोगों की भूमिका शासन प्रशासन में बढ़ती ही जा रही है। इस फहरिस्त में नया नाम शामिल हुआ है शांति सेठी का, जिन्हें एक बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठाया गया है। शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनकी नई सुरक्षा सलाहकार शांति सेठी दोनों मूल रूप से भारतीय ही हैं। अमेरिका में इस ओहदे तक पहुंचने वाली शांति सेठी नौसेना से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिकी नौसेना में इनका नाम बहुत प्रतिष्ठित है। ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास की ऐसी पहली महिला कमांडर भी रही हैं, जिन्हें जंगी बेड़े पर कमांडर नियुक्त किया गया था। अमेरिकी लड़ाकू युद्धपोत की पहली महिला कमांडर रही शांति सेठी। अब उपराष्ट्रपति कार्यालय में बतौर सुरक्षा सलाहकार और कार्यकारी सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। आपको बता दें कि अमेरिका में भारत का मान बढ़ाने वाली शांति सेठी का परिवार 1960 के दशक में अमेरिका में जाकर बस गया था। शांति सेठी ने साल 2021 में नौसेना सचिव की सीनियर एडवाइजर भी रह चुकी हैं। अमेरिका के निवादा प्रांत की रहने वाली शांति सेठी ने नार्चर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में डिग्री भी हासिल की है। नौसेना में लंबी सेवाएं दे चुकी शांति सेठी अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यालय में सुरक्षा सलाहकार की भूमिका में अपनी सेवाएं देंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।